काम, डिजायर, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मद, एरोगेंस, मोह, डिलूजन, मश्चर्य, जेलसी, ये है सड़ रिपु अर्थ मनुष्य के छह शत्रु। ऐसा मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आज का नया अध्याय आरंभ करते हैं। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। काही जल रूपे मुहि जगत नासिबी, काही पवन रूपरे सकल अग्रासिबी, काही जोग माया घेनी दुष्ट संघारिबी, काही व्याधि रूपरे मु पापिंकी ग्रासिबी। पृथ्वीर लोक हेबे तीनि भाग नाश, चतुर्थ भागरु जे रहिबे अवशेष। अर्थ कहीं जल के रूप में संहार करूंगा, कहीं वायु के रूप में संहार करूंगा, कहीं योग माया को संग लेकर दुष्टों का संहार करूंगा, कहीं व्याधि के रूप में संहार करूंगा। ऐसा संहार करूंगा कि पृथ्वी के चार भाग में से तीन भाग विनाश हो जाएंगे, केवल एक भाग ही बचेगा और उसी एक भाग से बनाऊंगा सतयुग के बीज। ऐसा भी मैं नहीं, खुद कल्कि यानी परम ब्रह्म निराकार जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ जी ने कही है गुरु अच्युतानंद जी से ग्रंथों की माला मालिका में। आखिर कल्कि इतना भयानक तरीके से मानवों का संहार अंत क्यों करेंगे? जो कहूंगा मालिका से कहूंगा, मेरे खुद की बातें बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आज मानव समाज काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह एवं मश्चर्य के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। हर तरफ चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, झगड़े, युद्ध ही दिखता है। पूरा पृथ्वी आज पाप, अन्याय, अत्याचार से परिपूर्ण हो चुका है। दूर दूर तक सत्य, शांति, दया, क्षमा नजर नहीं आता। आज भगवान को कोई परमात्मा के रूप में पूजा नहीं करता, बल्कि भगवान को तभी याद किया जाता है जब भौतिक संपत्ति की आवश्यकता हो तथा लोभ और लालच। नेता लूटने में व्यस्त हैं, व्यापारी ठगने में व्यस्त हैं, साधु संत झूठ फैलाने में व्यस्त हैं। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। सनातन धर्म, इस सृष्टि का श्रेष्ठ और इकलौता धर्म, आज भिन्न भिन्न जातियों में बंट चुका है, भिन्न भिन्न मतभेदों से बंट चुका है। आज का विज्ञान मानव कल्याण के लिए कम, मानव सभ्यता का विनाश ज्यादा कर रहा है। वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। प्रकृति को सुधारने की जगह, संरक्षित रखने की जगह विनाश किया जा रहा है। वायुमंडल विषाक्त हो चुका है, नदियों का जल जहरीला, खाद्य में ऐसे ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं कि मनुष्य के विकास कम, मृत्यु ज्यादा हो रही है। मानव समाज ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां काल चक्र को पीछे करके सुधरना असंभव है, लेकिन विनाश निश्चित है। परित्राणाय साधुनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।